हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोग के लिए एक ग्लास के जार के बारे में। जैसे कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, जो ग्लास के जार्स होते हैं उसमें जो लिड होती है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। जार तो आपके ठीक रहते हैं बट जो ढक्कन होता है वो प्लास्टिक का होने की वजह से खराब होने लगता है, और आप चाहते हैं कि 100% हेल्दी हाइजीनिक जार लिए जाएं जो कि देखने में भी सुंदर लगे और साथ ही साथ अच्छे ब्रांडेड हों। तो अगर आप लेना चाहते हैं आधा लीटर के, हाफ लीटर के, 750 ml के, 1 लीटर के जार्स, तो आज का ये ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। और आज इसका कंप्लीट टेस्टिंग के साथ मैं लेकर आया हूं इस ग्लास के जार्स को। तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं इस ग्लास के जार, तो ब्रांड इसका है लुमिनार, जो कि काफी अच्छी कंपनी है ग्लासवेयर में। और मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको ग्लास के जार में दो पार्ट देखने को मिलेंगे। पहली चीज जो ये जार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका क्लब जार है, जिसमें सबसे अच्छी चीज है कहीं भी आपको एयर बबल देखने को नहीं मिलेगा। ग्लास का शेप और टेक्सचर बहुत ज्यादा लाजवाब है और ये बिल्कुल प्रीमियम फिनिशिंग भी देता है। इसी के साथ साथ आपको, जैसे कि बेस की बात करते हैं, वो 100% ग्लास से बना हुआ है, कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे आपको एक तो ये दिया हुआ है जिसकी वजह से एयर टाइट वाटर टाइट बन जाता है, गैस्केट की तरह ये दिया हुआ है टेक्सचर। उसी के अलावा ऊपर की तरफ से कंप्लीट आपको कांच मिल जाता है जो कि पूरी तरीके से इसके अंदर टाइट हो जाता है। तो यहां भी ये जो ग्लास के जार है देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं, और साथ ही साथ ये आपके किचन की किसी भी रैक में या आपके डाइनिंग टेबल में भी काफी अच्छी तरीके से हो लगा सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं टेस्टिंग की, तो देखिए कि यहाँ पे ये आखिर एयर टाइट वाटर टाइट है भी कि नहीं। तो इसके बारे में जानने के लिए देखिए, इसके अंदर हमने पानी भर रखा है, तो इस जार को पहले हम टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर से पानी गिरता है कि नहीं गिरता है, क्योंकि एयर टाइट तो हो जाते हैं जार बट वाटर टाइट में इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हम इस तरीके से रखे हुए हैं, तो यहाँ पे ये देखिए पूरी कंप्लीटली आपको वाटर टाइट जार्स मिलेंगे जिसमें पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज पूरी तरीके से हम श्योर हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको 100% एयर टाइट वाटर टाइट जार मिलेंगे जिसमें कोई भी चीज सीलेगी नहीं, और लिक्विड आइटम रख देंगे तो वो बाहर की तरफ बहेगा नहीं। तो यहां पे ये वाला जो जार का साइज आपको मिलता है, ये मिलेगा 750 ml का। तो एक-एक करके सबसे पहले इसके तीनों साइजेस भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे हाफ लीटर के जार की, इसके बाद आपके लिए दिखा देते हैं ये 750 ml का जार, और इसके बाद आपको दिखाते हैं जो पीछे बैक साइड में रखा है 1 लीटर कैपेसिटी का जार। ये तीन साइजेस के आपको जार मिलते हैं, आप चाहे तो इन तीनों का सेट भी ले सकते हैं कि अगर आपको डाइनिंग टेबल पे रखना है तो इन तीनों का सेट भी आता है प्रिंटेड में, जिसका बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पे दे दूंगा। तो यहां पे अगर आप चाहते हैं सिंगल साइज का जार लेना तो भी आप परचेज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तीन अलग अलग साइजेस का जार लेना जो कि डाइनिंग टेबल में सुंदर लगे तो वो भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। लिड की अगर शेप और डिजाइन की मैं बात करता हूं, तो लिड का शेप और डिजाइन तीनों जार में बिल्कुल सिमिलर है, मतलब कहने का ये मतलब है इसका डायमीटर बिल्कुल सिमिलर है, तो मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप मतलब अलग अलग तरीके से। दूसरी चीज है कि जो आपको नीचे का बेस मिलता है सिर्फ उसमें आपको कैपेसिटी का डिफरेंस मिलेगा, उसमें भी आपको डायमीटर का बिल्कुल डिफरेंस नहीं मिलेगा, जो कि बना देता है इसको पूरी तरीके से मॉड्यूलर किचन के लिए बिल्कुल एक ही। आपको नीचे का जो बेस और जितना जगह आपको देनी पड़ेगी वो बिल्कुल बराबर देनी पड़ेगी, किसी में भी कम और किसी में ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। तो यहां पर ये तीनों जार्स जो आपको मिलते हैं, अब इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस मैं बता देता हूं। पहली चीज तो बात करते हैं सबसे बड़े जार की, इसमें 1 लीटर से ज्यादा बड़ा जार नहीं आता है, तो यहां पर आपको सिर्फ ये तीन ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको प्रिंटेड के ऑप्शन भी मिलेंगे, जैसे कि अगर आप प्लेन जार नहीं लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं प्रिंटेड जार लेना, तो यहां पे आपको प्रिंट्स भी मिल जाएंगे, बायलिंग मैंने नीचे दे दिया है। इसके बाद बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहां पे आपको ये देखिए देखने को मिल जाएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो UAE है, मतलब ये बाहर से आता है, UAE से आता है। और उसके बाद यहां पे ये देखिएगा, ये इधर आपको दिया होगा कहीं पे ये देखिए MRP जो दी हुई है वो है 190, तो लगभग ये 170 के प्राइस में आपको इजीली मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, अगर इस टाइप के जार की बात करी जाए तो ये 190 से 170 की रेंज में मुझे लगता है कि काफी अच्छी क्वालिटी में है, अगर आपको ग्लास में ढक्कन भी मिल जाता है तो भी। तो ये आपको लगभग 190 MRP का मिल जाएगा। अगर इसी में हम 750 ml की बात करते हैं तो 750 ml 170 की प्राइसिंग में है, और इसी के बात करते हैं आप आधा लीटर की, हाफ लीटर की, तो हाफ लीटर की जो प्राइसिंग आपको दी है वो सिर्फ
65 दी हुई है, तो मतलब ये समझिए कि हाफ लीटर 750 ml में बहुत मिनिमम डिफरेंस है। मैं एक अगर बेसिक बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे कि ये लगभग 150 की रेंज में आ जाएंगे आपको, और उसके बाद ये आ जाता है लगभग 170 की रेंज में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी किफ़ायती प्राइसिंग है अगर जार की क्वालिटी और इसकी यूटिलिटी देखी जाए तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सेट ऑफ 6 भी ले सकते हैं, सेट ऑफ 3 भी ले सकते हैं, काफ़ी यूटिलिटी वाले जार हैं एयर टाइट वाटर टाइट को लेके। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जार हमेशा ये जो ट्रांसपेरेंसी जो जार में मिलती है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है ग्लास की क्वालिटी में। जैसे काफी सारे जार्स अगर आप देखेंगे और कंपनीज के, तो उसमें बबल होते हैं और साथ ही साथ उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो हॉट एंड कोल्ड के लिए नहीं होती है। बट यहां पे मैं आपको बताऊं कि अगर लुमिनार की मैं बात करता हूं तो इसमें इतनी फाइन और अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है, ग्लास की थिकनेस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। देखिए ग्लास की आपको जो फिनिशिंग और थिकनेस देखने को मिल रही है वो काफी यूनिफॉर्म है, जो कि बना देती है इस जार को और भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी का। तो हमेशा जब भी आपको जार पता करना हो तो सबसे पहले उसकी ट्रांसपेरेंसी देख लीजिएगा, अगर ट्रांसपेरेंसी अच्छी है तो मतलब जार की क्वालिटी अच्छी है। उसी के साथ साथ उसमें ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी बबल ना आ रहा हो, अगर कहीं भी बबल आ रहा है तो वहां पे इश्यूज होते हैं क्योंकि बबल की वजह से क्रैक जल्दी आ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर उसमें मोल्ड भी, देखिए अब मैं इसके ग्लास की क्वालिटी की बात बताऊं तो कोई भी नॉर्मल ग्लास होगा वो इस शेप में मोल्ड ही नहीं हो सकता है, तो यहां पर यह ग्लास बेहतर क्वालिटी का है इसीलिए इस शेप में मोल्ड भी हो जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें साइड में आपको रिंग्स मिल जाती है जिसकी वजह से कंप्लीट एयरटाइट वाटरटाइट हो जाता है। इसको भी मैं ध्यान से दिखा देता हूं, आप चाहें तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं जब भी अगर आपको वॉश करना हो तो ये भी आपका इजीली रिमूव हो जाएगा। तो मिला जुला के मुझे काफी अच्छी क्वालिटी लगी, तो अगर आपको इस टाइप के ग्लास के जार चाहिए जो कि आपका 100% एयर टाइट वाटर टाइट हो, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसको खरीदने के लिए यहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक दिया हुआ है जहां से आप ये तीनों साइज परचेज कर सकते हैं, सेट ऑफ 3 में भी और जिसे भी आपको बेहतर लगता है। तो अगर आपको ये जार पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं अपने लिए ये जार खरीदना या किसी को गिफ्ट करना, तो आप बिल्कुल बेझिझक बेफिक्र होकर कर सकते हैं, ग्लास की काफी अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।